नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण आलेले शासकीय रुग्णालय या ठिकाणी आज सकाळी बिलोली तालुक्यातील मुतन्याल या गावात एक दोन गटात हानीमारी झालेली आहे. या हानीमारीत काही लोक आहेत ते जखमी आहेत आणि त्यांच्यावर प्राणघात हल्ला झालेला आहे. त्यांच्याशी आपण विचारू हे काय होतं नेमकं प्रकरण. गांव में अचानक दो तीन गांव के लोग आए और घर घर में घुस के मारना शुरू करे, दौड़ा दौड़ा के लकड़ियां डाल के. और हम लोग निहत्ते थे अचानक. कारण क्या था? इलेक्शन की दुश्मनी थी, दूसरी कुछ नहीं थी. क्या हुआ था इलेक्शन में? हमारी पार्टी जीत रही थी, उनकी पार्टी हार रही थी, बस दूसरा कुछ नहीं. तो ये लोग ने कब करा झगड़ा? कब? 10 बजे सुबह में. हाँ जी. कितने लोग थे? 500-600 लोग थे. तो उसमें उस टाइम में कितने लोगों पे हमला हुआ? बहुत सारे लोगों पे हमला है. हम चार अभी दवाखाने को पहुंचेंगे. अभी 100-200 पीछे दवाखाने में आ रहे देगलूर से होते हुए. तो आप पुलिस स्टेशन में कल जब झगड़ा हुआ तो उस टाइम में पुलिस स्टेशन नहीं गए थे आप? कल तो आज आज हुआ क्या? आज हुआ साहब. डायरेक्ट सीधा इधर आए पुलिस की मौजूदगी में हुआ साहब झगड़ा. पुलिस खड़ी भी थी. कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला? कोई प्रोटेक्शन नहीं था. मालूम था झगड़ा हो रहा? उन्होंने जाए मौके पे मौजूद थे. उन्होंने उन लोगों के तरीके से आए थे, तैयारी क्या थी उनकी? पता नहीं उनको कौन बोले थे क्या नहीं. आए हुए खड़े हुए थे, लटा थे, राड़ा थे, बड़े बड़े राड़ा थे उनके हाथों में और पत्थर थे. घरों में घुस घुस के मार रहे थे. फिर क्या किया उसके बाद आप? हम लोग मार खाए, बेहोश हो गए. लोग उठा के जो है देगलूर के दवाखाने में डाले. फिर वहाँ से देगलूर वाले यहाँ भेजे. पूरी ये आसपास के गांव वाले जो है मिली भगत है हमारे. दुनिया का जुल्म कर रहे भाई. मुतन्याल मिन की बडूर हमेशा 10 साल से यही जुल्म हो रहा साहब. कौन थे वो लोग सामने वाले? वो दूसरे गांव के लोग समाज के थे या अलग थे? हम लेकिन पूरे पूरे बाजू के गांव के उनको सबको पहचानते हम लोग. क्या हम सबको पहचानते वो? और इंशाल्लाह देखेंगे. उम्मीद क्या रखते हैं प्रशासन से? आप क्या उम्मीद रखते हैं आज भी गांव का माहौल क्या? प्रशासन गांव में मौजूद रह के हमारी कोई मदद नहीं कर सका तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे हम लोग? अभी भी दो लोगों को डर है उस गांव में. अभी भी अब पुलिस जाके हमारे तबके को उठा के ला ले रही. अगले वाले जो मारने वालों को नहीं उठाते हैं, हमारे बच्चों को उठा रहे. नौजवान बच्चों को ढूंढ ढूंढ के घरों में से मार मार के लेके जाके उठाने में डाल दे रहे. आप लोगों ने कभी आपने हमला नहीं किया? कहाँ करते हमला. नींद में पत्थर डालने के बाद घर जा रहे थे नाश्ता करने के वास्ते. ऐसा कुछ मुनज्जम प्लान रहता तो हमले का मसला रहता था. हम तो घर जा रहे थे सुबह सुबह नाश्ते के वास्ते 10 बजे. आपका नाम क्या है? सैयद जिया. क्या क्या हुआ था? आपको भी मार लगा? जी. क्या हुआ था ये प्रकरण पूरा? जी हाँ, मालूम था कि अचानक हुआ. हाँ जी, मिनकी बडूर और सगरोली ये जोन होते. इससे पहले भी कभी ऐसा हमले होते गए झगड़ा हुआ? जी जी, 10 साल से होते आ रहा. जब इलेक्शन के दुश्मनी निकाली जाती है फिर क्या कोई तरीका? नहीं, इलेक्शन की दुकान दुश्मन निकाली जाती. कितने लोगों पे हमला करा? कितने लोग थे वो? जी वो तो 400-500 आदमी थे और हम तो यहाँ 4 आदमी यहाँ पे आए. 100-200 वहाँ देगलूर में अभी एडमिट है. पूरे लोगों को मारेगा प्लानिंग से? जी. आपका नाम? सैयद जिया. आप आइए. मेरा नाम सैयद फारूक. जी साहब, ये हिंगनी सिंपाला बडूर मिनकी ये गांव के लोग आते, पूरे 400-500 लोग आते. पत्थरबाजी लकड़ियाँ सराड़ा पकड़ पकड़ के मारे. उन्होंने घर में आदमियाँ है तो घर में आदमियों में घुस के मारे, फतरे डाल दिए घर पे. घर में घुस के मारे फतरे डाले घर पे. फतरे डाल महिला भी रहती है? महिला भी थे तो हम अंदर लगा घर में डाल दे के ताला लगा दिए थे. इसलिए उनको नहीं हुआ. जो जो मिला उस उसको मेरे बाबा भी थे उनको भी मार लगा. उनको भी मारे गफलत अचानक. दो तीन वो भी एक गांव के नहीं थे, दो तीन गांव के थे. मिल के आए पूरा पूरा प्लानिंग के साथ आए वाले. कल इलेक्शन हुआ? कल इलेक्शन शांतिपूर्ण हुआ? शांति एकदम, कुछ भी नहीं हुआ इलेक्शन में. आज तो रिजल्ट नहीं आने से पहले ये क्या था? कुछ धक्का हुई थी कल? अब वो साहब एकदम सटली आके पूरे 3-4 गांव के लोग आके मारना. एक गांव के लोगों को बोलता को अब वो क्या है तुमको भी समझता हो तो पार्टी से थे. हाँ तो हमारे तो पार्टी का सवाल था, वो तो जीत के आ रही थी. मरिया हमेशा नहीं, हमेशा आते तो ये सामने वालों का 10 साल से सरपंच है, हम उसको वोट दे के लेके आए.
आज पहली बार आज उन्हें उन्हें हम उसको बनाए 10 साल से, अब उन्हें गिर रहा तो उन्हें हमारे पे दूसरे गांव के लोगों को लेके आके मारा। मतलब उसको मालूम हो गया कि भाई यहाँ पे लोग हमको नहीं लेंगे इस बारी को, तो गुस्सा नहीं। बस बस ये कौन थे पार्टी का था, ये लोग कौन थे, मतलब पार्टी थी या कोई संगठन से थे, ताल्लुक रखते थे, कौन थे ये सरपंच जो भी चुन के लाते थे? सपोर्ट करते बीजेपी को, सपोर्ट करते बीजेपी को सपोर्ट करते उन्हें। आप कौन से पार्टी तब कर रहे हैं? कांग्रेस से जी। तो इसमें कांग्रेस के जो दिग्गज लोग रहते, नेता रहते, इन तक ये बात पहुंची क्या, वो आए थे क्या आपके पूछ? अब भी तो अब दवाखाने में आए साहब, अब तो कोई नहीं आया हमारे पास। कल कुछ हुआ नहीं था कल? अरे बहुत कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। थोड़ा बहुत गांव होने के नाते होता, लेकिन इतना बड़ा हमला नहीं होता कभी। कोई झगड़ा ये सबसे पहले पहली बार है साहब? वो तो गांव होने के नाते चू चलते रहता। ऐसा कुछ लगता है क्योंकि ज्यादा जानलेवा हमला तो हुआ है, मगर किसी की जान भी जा सकती है, ऐसा कुछ लगता है कि लोग आज जाती थी ना साहब, और क्या बचा था? मेरे बच्चे के सर में लट डाले थे क्या, सबके दना दन बड़े बड़े लठा आए। सीरियस है, कुछ लोग आते भी थोड़ी देर में आते यहाँ पे, तुम देखो रात में 9-2 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे वो लोग इंशाल्लाह। तुम बिलोंग करते कांग्रेस से, इन्होंने भी आके कुछ आगे? अभी तो नहीं आए साहब। अच्छा, आगे उनसे क्या करते? हम उनसे उम्मीद रखते साहब। खास बात एक चीज बताया आपने कि ये लोगों ने सरपंच को 10 साल से चुनकर लाया, और उसी सरपंच ने आज जो है तो अपना गुस्सा निकाल कर, कौन है सरपंच, क्या नाम है? इसका नाम सोमदास है, सोमदास गज्जलवार, भाजपा पार्टी से है। तो ये पूरे भाजपा के लोग ने हमला किया? हाँ, भाजपा के लोग हमला कर रहे थे। यानी कि आपको उनको लग गया है कि सरपंच सीट मेरी जारी अपने को जो है मेरे को, मैं क्योंकि मैं वो फील्ड का नहीं हूँ, मेरी फील्ड नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी फील्ड मुल साहब की फील्ड है। मेरा मदरसा है, मदरसे में रहता हूँ, वहाँ पे गांव के बाहर मदरसा है। ये वोटिंग के लिए आए थे आप? नहीं नहीं, मैं वहाँ ही रहता हूँ, लेकिन मैं वो फील्ड का नहीं हूँ, मेरी अलग फील्ड है। मैं मस्जिद में रहता हूँ हमेशा, उनकी मुझे पहचान तो है, लेकिन उनके मुझे नाम नहीं मालूम। साहब इसमें हमारे गाँव के भी कुछ है, उनके नाम अभी हम कुछ जनों के जानते, कुछ जनों के नहीं जानते। एक सोमदास, फिर दूसरा पंडरी गंगाधर, फिर रहीमुद्दीन, फिर शाया, ऐसे बहुत से लोग हैं हम इनके। आज वहाँ पर आप जैसे झगड़ा होते हैं, तो वहाँ कोई पुलिस स्टेशन है गांव में, आपके कर्मचारी तैनात थे? नहीं है। अच्छा, हम आने के बाद आए कहते वहाँ। अच्छा, पहले वहाँ कोई नहीं थे? पहले कोई नहीं, पुलिस जब अपन निकलते खुद में ही थे। झगड़े के टाइम पे बिलोली के पुलिस, सेकंड पीआई सब थे वहाँ। फिर भी उन्होंने मध्यस्थ करके रुकाए नहीं? नहीं रुकाए। चलो।
मॉडर्न टाइल्स एंड सैनेटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स ग्रेनाइट कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सैनेटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल. मॉडर्न टाइल्स एंड सैनेटरी मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ नवीन हस्सापूर वागी रोड नांदेड. मॉडर्न टाइल्स एंड सैनेटरी संपर्क 98 22 24 22 83 29 59 77 73. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.